में भी 28 लोग मुझे भाग लेने वाले दिख रहे हैं। आप सभी 28 मित्रों से मेरा निवेदन है कि हम सब मिलकर एक ऐसा समय निश्चित कर लें, वो हर हफ्ते का कोई दिन हो सकता है। हम तारीख को बेशक याद ना रखें, लेकिन हमें ये ध्यान में रहे कि हम सोमवार को मीटिंग करेंगे या रविवार को मीटिंग करेंगे, रात का 9 बजे करेंगे। ऐसा दिन और समय हम आज अगर एक ऐसा फिक्स कर लेते हैं तो वही चीज हम अपने ग्रुप्स में भी सभी लोगों को डाल देंगे, हम एक काम है ना। करते हैं, अगले से हर शनिवार को रखेंगे, क्योंकि रविवार को हम एक जन संसद की मीटिंग में रहते हैं, ठीक तो है, मैं एक जन संसद से भी जुड़ा हुआ हूँ, तो उसकी मीटिंग में रहता हूँ। तो मेरे ख्याल से हम इसको शनिवार को रात्रि 9 बजे का इसको फिक्स कर देते हैं। तो आज तो शुक्रवार है, लेकिन अगले वार से जो है ना, शनिवार को रात्रि 9 बजे को फिक्स कर देंगे। एक्चुअली मैं इसमें वीकली शेड्यूलिंग का सिस्टम नहीं है, नहीं तो हम एक बार उसको वीकली शेड्यूल कर देते तो हमें बार बार शेड्यूलिंग भी नहीं करना पड़ती। तो इसमें डेली शेड्यूलिंग का तो ऑप्शन है, लेकिन वीकली शेड्यूलिंग का ऑप्शन नहीं होने के कारण हमको दिक्कत आ रही। तो हम टेक्निकल टीम को कहते हैं कि वीकली शेड्यूलिंग का ऑप्शन भी वो क्रिएट कर दें, तो हम जो है वीकली मीटिंग कर पाएंगे। और आपका ये बड़ा अच्छा सुझाव है, और मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा सुझाव है। हमें हर व्यक्ति को बार बार ये नहीं बताना पड़ेगा कि ये मीटिंग कब रहने वाली है। दूसरी चीज ये, इसके अंदर एक बेनिफिट ये होगा हमें कि हम उसमें चाहे 10 लोग जोड़ रहे हैं या 15 जोड़ रहे हैं, ये कुछ समय तक चलेगा। हमें मीटिंग निरंतर ही करना है। जो समय तय कर दिया गया है उस समय में चाहे 2 लोग आए, आप नहीं भी आते तो राकेश मुझे करना चाहिए, राकेश ये करना आप चाहिए। जो जी है, जो लोग नहीं आए हैं उनको जोड़ लीजिए, जिन लोगों ने बात कर ली है उनमें से उनको बाहर कर दीजिए, हाँ तो बिल्कुल उससे सर, क्या रहेगा कि नए चेहरे आ जाएंगे। तो जो लोग अभी 29 पार्टिसिपेंट में देख रहा हूं, उनमें से जो लोग जुड़ना चाहते हैं वो रिक्वेस्ट भेजें, तो राकेश जी अभी आपको जोड़ देंगे। शंकर जी प्लीज अपनी बात कंटिन्यू करिए। तो आपकी ये बात भी मान्य कर ली गई है कि अब शनिवार को रात्रि 9 बजे जो है वो बैठक होगी। इससे क्या है, अब हमारा दिमाग एकदम सेटअप हो चुका है कि हमें हर शनिवार की 9 तारीख 9 बजे इस मीटिंग को ज्वाइन होना हाँ, है ना। और यदि ऐसा यदि ऐसा ध्यान यदि में मैं रखेंगे बाहर हम। भी रहूंगा तो मैं अपनी टोकन प्रेजेंस लगा के आप में से किसी एक को जो है कुर्सी सौंप के, मीटिंग होगी चाहे मैथिली शरण गुप्त रहे चाहे ना रहे। कर सकते हैं साप्ताहिक मीटिंग से संगठन को लाभ होगा। क्राइम फ्री भारत हमारा जो संगठन है, उस संगठन में हम अपने कौन से व्यक्ति को अपने काम करने में दिक्कत आ रही है वो अपने अनुभव बताएगा, और हम उसी सेम परेशानी ने कोई व्यक्ति फेस कर चुका होता है, उसने कैसे फेस किया और कैसे सुधार किया, उस व्यक्ति को भी उसमें हम मौका देंगे कि वो आज का प्रश्न ही है, उस प्रश्न में कितने लोगों ने उस चीज को फेस किया और सुधार करके काम को सुचारू किया, वो अपना अनुभव उसमें बताएगा, है ना। तो बाकी लोगों को स्वतः ही उसके प्रश्नों का जवाब मिलने लगेगा, तो हमारा संगठन आगे बढ़ता ही चला एक जाएगा, अभी प्रश्न आ ऐसा रहा मानते हैं। है कि शनिवार का मतलब अगला शनिवार या कल का शनिवार। तो मुझे अगला लगता शनिवार है के कि शनिवार, शुरुआत के लिए हम कल के शनिवार से ही चालू कर देते हैं, जिससे हमें एक सप्ताह वेट नहीं करना पड़ेगा। तो आज भी मीटिंग है और कल भी मीटिंग होगी, और फिर अगले वार से हर शनिवार को भी मीटिंग होगी। मेरे ख्याल से ललन जी बिल्कुल को अपनी बात का जवाब मिल गया होगा। 1 घंटे का बिल्कुल बराबर समय अपन रख लें, वो बिल्कुल ठीक रहेगा। चलिए, सहमत है आप सभी लोग? जी हाँ जी हाँ ठीक सभी लोग सहमत हैं, मैं देख रहा हूं है, बाकी लोग बाग जो है ना लोग कमेंट जो कमेंट अपनी में बात भी अपनी रखना सहमति चाहते दे हैं, रहे हैं। बाकी 30 लोगों में से जो भी अपनी बात रखना चाहते हैं वो राजेश जी भाई साहब को जो है अपने रिक्वेस्ट भेजें और आप आगे आए, जरूरी नहीं कि मैं ही स्क्रीन पर रहूं, आप लोग आए। धन्यवाद। मैं देख रहा हूं कि बीरेन सिंह कौरव जी की बात करें, एक बीरेन सिंह कौरव जी और लोगों को शामिल करें नए चेहरे। तो लोग बाग जो है ना रिक्वेस्ट करें, रिक्वेस्ट फॉर द सीट करेंगे आप, तो आपको जो है राकेश जी जोड़ लेंगे। जो पार्टिसिपेंट जुड़ना चाहें वो रिक्वेस्ट सीट का जो ऑप्शन है उसको प्रेस करें।
जब आप रिक्वेस्ट सीट करेंगे तो आपको वो सीट मिल जाएगी। अभी 3 सीट खाली हैं। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि जो लोग जुड़ना चाहें और दो एक एक मिनट में अपनी बात कहना चाहें तो वो जुड़ेंगे तो अच्छा ही रहेगा। तो शर्मा